गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। 7 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। महुआबाग स्थित यूनियन बैंक के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर सचिव जितेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार की रवैये से कर्मचारी विरोधी हो गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया और ऋण चुकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सहित अन्य 7 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग भी की। इस मौके पर संतोष कुमार, ब्रह्मदेव सिंह यादव, कमलेश सिंह, प्रभात कुमार, संतोष राय, गुलाब सिंह आदि अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अध्यक्षता सत्यदेव राम ने किया। निजीकरण के विरोध के साथ ही अन्य मांगों को लेकर गुरुवार की शाम 3 से 5 बजे तक लाल दरवाजा खंडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मियों ने एक स्वर से मांग किया कि निजीकरण के लिए जारी किए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के मसौदे को वापस लिया जाए। इस मौके पर संघर्ष समिति के जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि निजीकरण की समस्त प्रक्रिया निरस्त की जाए और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा का फ्रेंचाइजी करार रद्द किया जाए। केरल के KSEB लिमिटेड की तरह उत्तर प्रदेश में भी सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर UPSEB लिमिटेड का गठन किया जाए। इस अवसर पर सह संयोजक शिवम राय, संतोष मौर्य, इंजीनियर आदित्य पांडे, महेंद्र मिश्रा, आशीष चौहान, मनीष कुमार, शत्रुघ्न यादव, अभिषेक राय आदि मौजूद रहे। पुलिस लाइन में स्थित सभा कक्ष में गुरुवार को जिलाधिकारी MP सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की मौजूदगी में अपराध गोष्ठी हुई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कदापि न बख्शा जाए। थाने पर आए प्रत्येक फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। गरीब, असहाय, आसक्त व महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण में वरीयता दें। समस्याओं से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर जल्द से जल्द उसका निस्तारण करें। सभी थाना प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं की कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। कहा कि अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर लगातार चक्रमण करते रहें। किसी भी घटना की यदि कोई सूचना देता है तो तत्काल मौके पर पहुंचे। किसी भी थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं न होने पाए। अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर SP सिटी गोपीनाथ सोनी, SP ग्रामीण अनिल झा सहित सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक गुरुवार को सदर ब्लॉक परिसर में संपन्न हुई। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका दुबे ने सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि कोरोना के संकट काल में जब निजी संस्था ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे तब सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार के निर्देश पर आम जनता की सेवा की, लेकिन उन्हें पुरस्कृत सम्मानित करने के बजाय पूर्व से मिल रही सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। सरकार न तो कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर रही है न ही उनकी समस्या का निराकरण कर रही है। इस अवसर पर सूर्य भानु राय, पवन पांडे, बैजनाथ तिवारी, आनंद सिंह, प्रमोद उपाध्याय, प्रफुल्ल राय, संजय यादव, रमेश राम, डॉक्टर भास्कर दुबे, नीरज तिवारी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी और नेता उपस्थित रहे। संचालन जिला मंत्री ओम प्रकाश यादव ने किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों C2 और FMRAI के आह्वान पर UPMSRA गाजीपुर इकाई के लगभग 150 साथी लंका मैदान में गुरुवार को एकत्र हुए। यहां पर पुलिस फोर्स द्वारा रोक दिया गया। काफी जोर जबरदस्ती से रैली को रोकने की पूरी कोशिश हुई। बावजूद इसके UPMSRA के साथियों ने रैली निकाली और लंका सिंचाई विभाग कचहरी होते हुए पोस्ट ऑफिस कार्यालय तक झंडा डंडा लेकर पहुंचे। इस मौके पर अवधेश यादव ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है और वर्षों के संघर्ष को बिल्कुल नकार दिया है। मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि ये सरकार आम आदमी की कोई बात नहीं सुन रही, न ही किसी आम जनमानस के हित की बात कर रही है। इस अवसर पर RM राय, दिनेश यादव, सौरभ पांडे, सतीश यादव, आंगनबाड़ी वंदना सिंह, मोहम्मद नसरुद्दीन, शारदा प्रसाद मिश्रा, विश्वानंद तिवारी, उपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता मोहम्मद अफजल और संचालन रविंद्र कुमार राव ने किया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।